ये है दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड का डूमरथर गांव। गांव की गलियों में हर घर की देहरी पर स्कूल की पोशाक पहने 200 से ज्यादा बच्चे रोज कतार में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। यह आदिवासी गांव है जो आदिवासी समाज सदियों से अपने घरों की खूबसूरत दीवारों पर भित्ति चित्र यानी म्यूरल्स उकेरने के लिए जाना जाता है, और जिनके घरों की दीवारों पर काला रंग वर्जित है, उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्हीं दीवारों में एक साथ 200 से ज़्यादा ब्लैक बोर्ड टांग दिया। हर बच्चे के लिए एक एक ब्लैक बोर्ड है जिन पर स्कूल के शिक्षक उनके सवालों का जवाब लिखकर उन्हें पढ़ा रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है, और हम लोगों को यहाँ जो प्रधानाध्यापक है मध्य विद्यालय डूमरथर में, हम लोगों का जो प्रधानाध्यापक है हम लोगों के लिए बहुत गर्व है, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण से ये गर्व है, बहुत खुशी है विद्यालय का ये। बच्चों के अभिभावक और गांव के लोग भी बेहद खुश हैं और स्कूल के शिक्षकों की हर संभव मदद में लगे हैं। बड़ा मोबाइल नहीं है, सरकार तो मोबाइल पर पढ़ने के लिए भेजता है, तो हम लोग के पास मोबाइल नहीं है, इसलिए हम लोग ब्लैक बोर्ड में ही पढ़ते हैं। स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार बताते हैं कि जब लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गया और मोबाइल नहीं होने के कारण बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही थी, तो वे बेहद चिंतित थे। उसी चिंता ने उन्हें यह नायाब प्रयोग करने की राह दिखाई, और आज स्कूल के सारे बच्चे कोरोना के संक्रमण के भय से मुक्त होकर रोज इस मुक्त आकाश स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे दूर दूर में बैठते हैं, सबों के पास अपना डस्टर है, चौक है, अपना अपना ब्लैक बोर्ड है। बच्चे जो नहीं समझते हैं उसे ब्लैक बोर्ड में लिख देते हैं, उसे हम बता देते हैं। बहरहाल स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन कुमार के इस प्रयोग की नीति आयोग ने भी सराहना की है, और उपायुक्त ने उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है। दुमका से आर के नीरज।